इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जो बच्चे हैं आपके बेटे बेटियां जो जेल में भी हैं जो बाहर भी हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगी कि डटे रहना है, डरना नहीं। अगर औरतें डटी हैं तो मैं अपने बेटों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से सबसे कहती हूँ कि डट के रहना है, डरना नहीं है। इंशाल्लाह जीत खान की और PTI की। और मेरा तो वैसे भी कोई कमेंट अगर करती हूँ तो यही कहती हूँ कि इमरान खान के सपोर्ट करने वाले जिंदाबाद। ये जिस जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये मैं करती हूँ। और दूसरा उसके बाद मेरा एक और है कि PTI के तमाम बबर शेर, इमरान खान के तमाम बबर शेर नहीं और बबर शेर जिंदाबाद। बस इसके अलावा मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है ना मैं लिखती हूँ, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हालात में निकलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ है, लेकिन अगर प्रॉपर माहौल बन जाएगा तो फिर क्या, किस तरह लोगों को मोटिवेट करेंगी आप? अब अपनी बेटी को दो मिनट के लिए भूल जाए और अगर जनरल कैंपेन पर जाए तो किस तरह लोगों को मोटिवेट करना है आपने? पहली बात है कि हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि PTI के जितने भी वर्कर हैं, उनके टाइगर्स हैं, जो भी है, वो खुद से काम करेंगे, खुद से वोट आएंगे। मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं, जितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई, जितनी तकलीफ़ें तमाम पाकिस्तान की आवाम ने उठाई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ना नून लीग का कोई वोटर रहा होगा। अगर जो रहा होगा वो कोई बहुत ही ज़्यादा, कह लें कि क्या कहूँ मैं उसके लिए, उनको भी माफ़ी है आज के दिन। लेकिन यह है कि नहीं, वोट सिर्फ इमरान खान का। अच्छा, अगर आज़ाद हैसियत में सनम जावेद को इलेक्शन लड़ना पड़ता है, अगर PTI को इजाज़त नहीं मिलती, बोलने का निशान नहीं मिलता, तो कौन सा निशान आपने सोच रखा है कि सनम जावेद के लिए आप लेंगे? निशान सिर्फ बल्ले का इंशाल्लाह, और बाकी इमरान खान कोई भी निशान मिल जाए उसको, क्योंकि वोट ना तो निशान को पढ़ना है, ना सनम जावेद को पढ़ना है, बेशक मेरी बेटी है, ना किसी उसको पढ़ना है। वोट सिर्फ ओनली इमरान खान का, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट इमरान खान का, इमरान खान कोई भी निशान दें, जीत इमरान खान की। बस मुझे ये पता है। मरियम अगर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या मैसेज देंगे मरियम के लिए, क्या मैसेज है, क्या आपके एज ए खवातीन? तो मैं उसको कोई मैसेज इस तरह का नहीं देना चाहती वो करूँ, लेकिन जितने उसने जुल्म इस दफ़ा औरतों पे करवाए हैं ना, उनका राइट ही नहीं बनता था कि वो इलेक्शन में आती नहीं। बस अब मौजूदा सूरत हाल इस तरह की है कि बल्ले का निशान वापस मिल गया, कंपेन का क्या तरीक़ाकार होगा? इंशाल्लाह यही होगा जो हमेशा से होता है, वोट इमरान का, इसके अलावा कोई नहीं। नहीं, ईमान अल्लाह पे और स्टैम्प बल्ले पे, वोट इमरान खान का। क्या नजर आ रहा है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? नहीं, ये तो भूल जाए कौन सी, मुझे तो यही नहीं लगता कि PTI वालों के लिए कोई इलेक्शन है भी। जहाँ भी जाते हैं छुप के जाओ, ये कौन सा इलेक्शन है? पेपर छुपाओ, अपने वो तस्दीक नुंदा को छुपाओ, क्यों? कि हम लोग जहाँ भी गए हैं, अगर उनको वही सरकारी गाड़ियाँ ग्रीन प्लेट वाली, इतने से बच्चे को भी दिखाएं वो पहचानता है कि ये ग्रीन नंबर की जो प्लेट है ये किन की होती है, तो किस कानून के तहत वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो उनके पास कोई नहीं है ना, ना कोई वजारत है ना कुछ है, कि क्यों जाती हैं मरियम नवाज़ उनकी गाड़ियों में, हमारे टैक्स के पैसों से है ना। तो फिर हमें क्यों इतना डरना पड़ रहा है जिनके टैक्स के पैसों पर सारे ये पलते हैं, और वो हमें ही कह रहे हैं कि हम छुप छुप के जाएँ? क्यों मरियम नवाज़ को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? कौन है वो? अभी तो इलेक्शन नहीं लड़ा ना, इलेक्शन के बाद जो भी जीतेगा उसको दें प्रोटोकॉल। बस इतना ही कहना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं मैं बोलती। क्यों भाई, वज़ीर आज़म चाहे 6 माह का हो, चाहे जो निगरान वज़ीर आज़म होते हैं 3 माह के होते हैं, फिर उनको प्रोटोकॉल तो दिया जाता है। तो जो 3.5 साल का रह गया, फिर उसको जेल में क्यों फेंका हुआ आप लोगों ने? फिर प्रोटोकॉल तो इक्वल होना चाहिए ना, जो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना है तो फिर इज्जत भी बराबर मिलनी चाहिए, 3 का हो या 1 का हो, वज़ीर आज़म तो लग गया ना साथ। बस इतना है कि जिसको अल्लाह मियाँ इज्जत दे उसको संभालना भी आना चाहिए। बस मैं इतना कहना। इलेक्शन कितना मुश्किल होगा, आप कितना मुश्किल देखें।